हाँ जी बेटा, अब हम छोटी सी चीज और डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमने बीच में पढ़ा था स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, वी रेड दैट 10 लाख रुपीज ऑफ थ्रेशोल्ड लिमिट वुड बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। तो एक बार देख लेते हैं कि वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कौन कौन से हैं, एक बार वो देख लेते हैं। ठीक है, इलेवन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कितने हैं हमारे, ध्यान से सुनना, 11 स्टेट्स हैं। ठीक है, नाम याद रखने की जरूरत नहीं बेटा, मोटा मोटा ओवरव्यू ले लेना। ठीक है, कि हमारे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में क्या क्या आते हैं, देखिए ध्यान से पढ़िए। एक तो हमारे जो अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू एंड कश्मीर और मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। सबसे पहले ये जान रखिए कि जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट के, वो सारे इसमें काउंट होते हैं। ठीक है, पहला क्या है हमारा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, सबसे पहले ये स्टेट्स आ गए आपके। दूसरा आपका क्या आया, जम्मू कश्मीर भी आ गया आपका। एक आपका है इसमें हिमाचल प्रदेश और एक आपका है इसमें उत्तराखंड। ठीक है, ये आपके 11 स्टेट्स हैं जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आते हैं, जहां पर आपकी लिमिट जो एग्रीगेट टर्नओवर की है वो है 10 लाख रुपए। अगर मैं इन सारे 11, इन 11 राज्यों को मैं हटा दूं तो बाकी के जो मेरे राज्य बचे वहां पे लिमिट मेरी कितनी बची बेटा, 20 लाख रुपए। ठीक है, वहां की लिमिट मेरी कितनी बची, 20 लाख रुपए की। क्लियर, अब इसमें कोई डाउट होता है बताइए। यहां पे आपको रजिस्ट्रेशन 10 लाख रुपए से क्रॉस करते ही लेना पड़ेगा। जैसे ही आपका बिजनेस 10 लाख से ज्यादा चला जाएगा, यू आर बाउंड टू टेक द जीएसटी नंबर। बताइए बेटा, कोई डाउट? बताइए बेटा, कोई डाउट? सो बेटा, जैसे मैंने बताया, जो हमारे 11 स्टेट्स हैं इनकी लिमिट 10 लाख रुपए की है, बाकी सारे स्टेट्स की लिमिट हमारी 20 लाख रुपए की है। अच्छा बेटा, दोनों मिला के अगर आपने ध्यान से सुना होगा बेटा, मैंने हमेशा बोला है, अगर आप इस चीज को मेरे ध्यान से सुनेंगे, मैंने हमेशा बोला है गुड्स और सर्विसेज और बोथ, यही चीज हमने बाद में पढ़ी है कि गुड्स सर्विसेज या दोनों मिला करके, अलग अलग नहीं है बेटा। अगर आप 10 लाख के गुड्स बेच रहे हो, 10 लाख के सर्विसेज बेच रहे हो, तो दोनों को क्लब कर दिया जाएगा। बोथ वर्ड भी है यहां पर, ध्यान से समझिए, देयर इज अ वर्ड बोथ। बेटा रुक जाओ, आ रहा हूं उस पर रोहित, आ रहा हूं उस पर। ठीक है, जो आप समझना चाह रहे हो उसको समझा रहा हूं। ठीक है, तो जो आपका आंसर पहला क्वेश्चन था उसका आंसर ये है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, आगे कहानी ये आती है बेटा। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे कुछ जो बड़े स्टेट्स हैं, जैसे महाराष्ट्र की बात करूं या उत्तर प्रदेश की बात करूं या दिल्ली की बात करूं, तो यहाँ पे बेटा बिजनेस में थोड़ा लाइक बड़े लेवल पे होता है, बड़े स्केल पे होता है। तो जो जितने बिजनेसमैन थे, दे रीच आउट टू द गवर्नमेंट कि सर 20 लाख रुपए हमारे तो कुछ भी नहीं है। तो गवर्नमेंट ने बोला, पॉइंट इस बात में पॉइंट है,
गवर्नमेंट ने बोला ये चीज, देखिए क्या बोला गवर्नमेंट ने, बोलती है गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू एनहांस, गवर्नमेंट हैज अ राइट। राइट कहां से आता है याद है, पहली क्लास 245 आर्टिकल 246 सेवेंथ प्रोविजो, यूनियन लिस्ट वन लिस्ट टू लिस्ट थ्री, दे हैव अ पावर। ठीक है, पावर में क्या बोला गया, जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उसको आप 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रुपए तक कर सकते हो, सप्लायर इंगेज एक्सक्लूसिवली इन द सप्लाई ऑफ गुड्स। आप ध्यान से देखना, गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है आपकी बात बिल्कुल सही कि गुड्स के केस में बिजनेस ज्यादा होता है, तो लाइक अगर मैं कुछ बोलूं एक ट्रक भेजना तो ट्रक ही बेटा 35 लाख रुपए का आ जाता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है आप उसको एनहांस कर सकते हो सिर्फ उस लोगों के लिए जो सप्लाई ऑफ गुड्स में इन्वॉल्व है, सिर्फ नॉट फॉर द सर्विसेज, मेक श्योर मार्क माई वर्ड्स, नॉट फॉर द सर्विसेज ओनली फॉर द गुड्स, जो सिर्फ और सिर्फ गुड्स में काम कर रहे हैं। ठीक है, बट कब, एट द रिक्वेस्ट ऑफ अ स्टेट एंड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। लेकिन ये तभी होगा जब कुछ सर्टेन कंडीशंस गवर्नमेंट पुट करेगी, उसके बाद ही कर दिया जाएगा। क्या, कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ गुड्स के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं तो आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देगी, और जो काउंसिल है जीएसटी की वो रिकमेंडेशन देगी, तब आपकी लिमिट 20 लाख रुपए से 40 लाख रुपए कर दी जाएगी। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिमेंबर कि 40 लाख रुपए कब, क्योंकि बेटा कॉन्सेप्ट आप में हर बार कंफ्यूज हो गए सर कहीं पे 20 है कहीं पे 10 है कहीं पे 40 है, तो कॉन्सेप्ट इज सेम, लिमिट इज 20 एंड 10, बट देर आर सर्टेन फ्यू केसेस जब स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को या काउंसिल रिकमेंडेशन देगी तो लिमिट 20 लाख रुपए से 40 लाख रुपए हो जाएगी, लेकिन सिर्फ उन लोगों की जो लोग सिर्फ गुड्स में डील कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ। क्या लिखा हुआ है यहाँ बेटा, यहाँ पे इंगेज्ड एक्सक्लूसिवली इन द सप्लाई ऑफ गुड्स। आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल। क्या लिखा हुआ है, इंगेज्ड एक्सक्लूसिवली इन द सप्लाई ऑफ गुड्स, नॉट सर्विसेज, नॉट बोथ, सिर्फ और सिर्फ गुड्स। ठीक है बेटा, कोई डाउट? बताइए बेटा, कोई डाउट है तो बताइए। नमस्कार, आप आएंगे अभी? कर लेंगे, ठीक है। तो फिर कल कितने बजे आएंगे बेटा? चलिए ठीक है, बिल्कुल बेटा, ये के पढ़िए ना अभी, साफ साफ देखो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला गया कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट से, क्या कहीं नहीं बोला गया। ठीक है, ये चीज कहीं भी नहीं बोली गई है, सिर्फ क्या बोला गया है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट बोलती है एट द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट, ठीक है, एट द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट, ठीक है, तो अगर देखा जाए अगर उस स्टेट की लिमिट 40 करोड़ 40 लाख रुपए हो चुकी है और उसकी टर्नओवर साल की 39 लाख रुपीज है, तो दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू टेक द जीएसटी नंबर। ठीक है बेटा, इफ देयर टर्नओवर इज लेस देन 40 लाख इन द स्टेट वेयर द लिमिट इज 40 लाख, एंड फॉर दोज पर्सन हु आर एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड इन द सप्लाई ऑफ गुड्स, देन दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू टेक द जीएसटी नंबर। क्लियर, क्लियर है बेटा? सप्लाई करते हैं तो वो भी करवा देते हैं। हाँ बेटा, वहां पे ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, देयर इज नो सच रिस्ट्रिक्शंस ओवर देयर।
क्या नाम बेटा, श्रुति, देयर इज नो एनी स्पेशल रेस्ट्रिक्शन. मैं बोले अगर देखिए जैसे ही स्टेट ये रिकमेंडेशन देगा तो बेटा उसके ना बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है. जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि जो जीएसटी का पैसा होता है वो कलेक्ट कौन करता है, सेंट्रल एंड स्टेट दोनों करते हैं. लेकिन जो आईजीएसटी का पैसा होता है, अगर मैं इसे बात करूं इंट्रा स्टेट सप्लाई है, इंट्रा स्टेट विद इन स्टेट, तो जो एसजीएसटी का पैसा होता है उसको कौन रखता है, स्टेट रखता है. और जो सीजीएसटी का पैसा है वो किसके पास जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. लेकिन जो इंटर स्टेट सप्लाई होती है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो वहां पे क्या होता है, आईजीएसटी होता है. तो लेकिन देखा जाए तो वो पैसा किसका है, दोनों लोगों का है. लेकिन उसको कलेक्ट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज बाउंड टू पे सम अमाउंट आउट ऑफ आईजीएसटी टू द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है. जैसे ही ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स बोलेंगे हमारी लिमिट बढ़ा दो, सेंट्रल गवर्नमेंट उनका हिस्सा कम कर देगी, ठीक है. ये मैं आपको इनसाइट्स बता रहा हूँ कि वाई इस वाले चीजें नहीं होती है, कैसे होती है चीजें, ऑपरेट कैसे होती है, ठीक है. करवा सकते हैं आप, जैसे करवाने के लिए जाएंगे वैसे ही उनकी उनका जो वो वाला पार्ट होगा वो रिड्यूस कर दिया जाएगा, ठीक है बेटा. और एक और एक्ट बनाया था गवर्नमेंट ने, कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स एक्ट. देयर इज अ सेपरेट एक्ट व्हिच वाज डिजाइंड टू कॉम्पनसेट द स्टेट्स व्हेन द जीएसटी वाज लॉन्च्ड. तो ये सारी बातें वहां पे लिखी गई है, ठीक है. क्लियर है बेटा, करा लो पैसा अपना नुकसान करवा लो, गवर्नमेंट ने मना किया ही नहीं बेटा. अगर आपको कुछ प्रिविलेज मिल रही है तो ऑफकोर्स देयर इज अ रीजन. अगर आप बोलते नहीं हमें दूसरी प्रिविलेज भी चाहिए तो गवर्नमेंट बोलेगी ठीक है आप वाली प्रिविलेज ले लो, ये वाली प्रिविलेज खत्म करवा लो अपनी. बेटा एक मिनट देना, ठीक है बेटा आगे चले, लेट्स मूव अहेड. आगे क्या बोलते हैं बेटा कि उस इसमें ना रजिस्ट्रेशन में कुछ एग्जेम्पशंस, जो एग्जेम्पशंस है उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं. जो हमने अभी एग्जेम्पशन देखी उसमें कुछ और हमारी एक्सेप्शंस हैं, क्या है वो देखते हैं. पहले बोलता है कि एक सेक्शन हमने देखा था ना बेटा स्टार्टिंग में कि कुछ लोगों को तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, उनकी लिमिट से फर्क नहीं पड़ता बेटा. आपकी लिमिट 2 रुपए भी है, नंबर ले लो आप. जैसे मैं दिल्ली में बैठा हूं और मैं सप्लाई कर रहा हूं किसी दूसरे स्टेट में, मतलब इंटर स्टेट सप्लाई राजस्थान में कर रहा हूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी टर्न ओवर 10 लाख रुपए है, 20 लाख रुपए है, 40 लाख रुपए, इट डजंट मैटर, ठीक है. Irrespective of fact, what is my turnover in the year, if I am making any supplies, whether it's goods or services or both, in the interstate of the interstate, I am bound to take the GST number as per section 24. Section 24 ये बात बोलता है कि compulsory number आपको लेना पड़ेगा इस scenario में, ठीक है बेटा. तो ये तो exception हो गया exemption का, ठीक है. अगला देखते हैं क्या बोलता है. Persons engaged in making supply of ice cream and other edible ice, क्या बोलता है ध्यान से देखो, जो लोग supply कर रहे हैं किसकी, ice cream की, या फिर other edible ice, क्या लिखा हुआ है, ice, oil नहीं बेटा, edible oil के लिए समझ जाओ, ice, बर्फ, whether or not containing cocoa, ठीक है, पान मसाला एंड ऑल गुड्स ऑफ, समझ लो जितने भी टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, ठीक है. क्लियर, आपकी टर्नओवर से कोई फर्क नहीं पड़ता, 50,000 रुपए जीएसटी नंबर लो आप,
ठीक है, आइसक्रीम बना रहे हो 50,000 रुपए टर्न ओवर है, जीएसटी नंबर लो, ठीक है। उसके बाद पर्सन एंगेज इन मेकिंग इंट्रा स्टेट सप्लाई इन द स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, सिक्किम, तेलंगाना, पुडुचेरी एंड स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स एज पर सेक्शन 22, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, इंटर स्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड गुड्स आर नेवर्थलेस लायबल टू कंपल्सरीशन एंड आर ऑलरेडी कवर्ड इन सेक्शन ए। साफ साफ बात बोली गई, अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं फर्क ही नहीं पड़ता बेटा आपकी टर्नओवर कितनी है, आप कहां काम कर रहे हैं, दिल्ली में या मणिपुर में, डजंट मैटर, मणिपुर से सामान त्रिपुरा जा रहा है, सप्लाई जा रही सर्विसेज की या गुड्स की, इरेस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट हाउ मच इज द टर्नओवर, यू आर बाउंड टू टेक द जीएसटी नंबर। क्लियर, क्लियर है बेटा ये। और आगे बोलता है वो, अगर कोई इंसान वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है, गवर्नमेंट कहती है हम आपको मना नहीं करेंगे, आप आइए नंबर ले लीजिए। इसको ये मत समझ लेना कि बेटा कोई बच्चा आप जाएगा, मैंने एग्जांपल में स्टार्टिंग में समझाया था कि एसआरसीसी का आप अगर रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो आप फॉर्म भरिए, तो बेटा वहां पे आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन नहीं ले पाएंगे, आपके पास सर्टेन अमाउंट सर्टेन नंबर्स होने चाहिए, सीजीपी आपका कंप्लीट होना चाहिए तो आप ले पाएंगे, ठीक है। बट हाँ, अगर किसी भी इंसान को जो बिजनेस कर रहा है और उसको अपनी मर्जी से जीएसटी नंबर लेना है, गवर्नमेंट उसको मना नहीं करेगी, वो गवर्नमेंट कहती है कि आप जीएसटी नंबर हमसे ले लीजिए विदाउट एनी डाउट, ठीक है। बताइए बेटा कोई डाउट हो तो बताइए, अदरवाइज लेट्स मूव अहेड। दोबारा रीड कर लीजिए, अगर कोई डाउट हो तो बताइए। जी क्या हो गया, शुक्र में चार्ज ले आया लैपटॉप का, अभी तो है ना एक घंटे का ऑलमोस्ट खत्म हो गया, मेन जो चीज मुझे वो समझा दी, वो समझा दी आज इसमें सही थी, क्लियर आवाज थी, हाँ परफेक्ट है, यानी दिक्कत हमारे लैपटॉप में, इसलिए पीसी ना लेना बहुत जरूरी है, सभी तो हम जाना है, सुनते ना भी देख के तो आ जाते हैं ना, कौन सा जो पीसी लेना है, पीसी की कह रहा हूँ, पीसी देखा, पीसी यहाँ थोड़ी नैरो प्लेस है, यहाँ जो कॉन्फ़िगरेशन आता है तो किसी बात है, तुम लोग चुका मतलब कस्टमाइज ही होगा, कस्टमाइज ही इधर भी कस्टमाइज है, बोले बोलो नहीं होता है कुछ, i7 13th जनरेशन बोलो हम को नहीं, छोटे रखते हैं वो, सिर्फ प्रोसेसर है मेरे ख्याल 30,000 का, फिर मदरबोर्ड है 25,000 का, बस तो यही हो रहा है, फिर हार्ड डिस्क तो लेने का हाल हो, फिर कैबिनेट हो गया, हार्ड डिस्क तो मेरे पास बड़ी हुई है, वो अभी भी लगी ना 256 GB एसएसडी है, या 512 जो हम लाए थे उसमें, नहीं मैं तो 1 TB एसएसडी लगता है, क्योंकि स्पेस भरता रहता भरता रहता भरता रहता, क्लास रिकॉर्ड करेगा तो उसमें भरता रहता, तो एक क्लास कितनी जीबी की होती है, मेरा भी पीसी में एक घंटे क्लास 7 GB, तो ये रिकॉर्ड में सिस्टम में हो रही है, इंटरनल में जा रहा है। हाँ जी बेटा, बच्चे कह रहे हैं सर डी पार्ट रिपीट कर दो, बेटा देखो डी पार्ट में क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से पढ़ी लाइन पढ़िए, पर्सन who has opted for voluntary registration or such registered person who intend to continue with their registration under section C, under the CGST Act। अब बेटा जैसे मैंने ना नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है जस्ट अभी, ठीक है, बिल्कुल नया बिजनेस मैंने स्टार्ट किया है, मेरी टर्नओवर 2,00,000 रुपए की है, लेकिन क्या है कि मुझे ना कुछ टेंडर्स अप्लाई करने हैं, गवर्नमेंट टेंडर्स मुझे अप्लाई करने हैं, ठीक है, मुझे बैंक अकाउंट भी ओपन करना है, मुझे इंटरनेशनल बिजनेस करना है, ठीक है, टर्नओवर भी 2,00,000 रुपए की है, तो क्या होता है अगर मुझे टेंडर अप्लाई करना होता है तो वहां पे एक रिक्वायरमेंट आती है कि आप जीएसटी नंबर दिखाइए अपना, ठीक है, तो एज पर जीएसटी लो तो आपको रिक्वायरमेंट नहीं है जीएसटी नंबर लेने की, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट कहीं और से आ गई है कि आपको पता है कि अगर मेरे पास जीएसटी नंबर नहीं होगा तो मुझे वो टेंडर नहीं मिलेगा, जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, ठीक है, इसको एग्जाम्पल की तरह से लेना कि अब वो टेंडर नहीं मिलेगा आपको, तो अब आप क्या करोगे,
आप कह रहे हो सर मेरे यहाँ पे नंबर लेने की जरूरत ही नहीं सेक्शन 22 के अंदर, लेकिन वहां पे एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट आ चुकी है कि अगर ये डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, अब आप बोलोगे सर मैं वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता हूँ। जब आप फॉर्म जब आप अप्लाई करोगे ना रजिस्ट्रेशन नंबर, तो वहां पे पूछता है वो आपसे आप नंबर क्यों ले रहे हो, समझ रहे हो, तो वहां पे एक ऑप्शन होता है वॉलंटरी एप्लीकेशन वॉलंटरी बेसिस, तो आप वो सिलेक्ट करोगे। अगर आपकी टर्नओवर ज्यादा चली गई है तो आप वो अप्लाई करो सिलेक्ट करोगे कि थ्रेशोल्ड एक्सीडेड, एक वो ऑप्शन भी होता है, समझ रहे बेटा आप। सो बच्चा पूछ रहा है सर ऑनलाइन बिजनेस करते टाइम जीएसटी नंबर लेना इंपॉर्टेंट है क्या? बिल्कुल बेटा, आपकी टर्नओवर एक्सीड नहीं कर रही है लेकिन आपको वॉलंटरी लेना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि वहां पे आपको काफी सारे रजिस्ट्रेशन करने पड़ते हैं, पेमेंट गेटवे लेना पड़ता है, आपको ई कॉमर्स पोर्टल पे जाना पड़ता है, तो वहां पे सब आपको नंबर लेना मैंडेटरी है वहां पे। बिल्कुल बेटा, अगर आपकी टर्नओवर 50,000 रुपए भी है और आपको आप नंबर लेना चाहते हो गवर्नमेंट बोलेगी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में अगर आप बेटा देखोगे यहां पे जब हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे रजिस्ट्रेशन की, यहां पे ये आ जाइए स्टार्टिंग में। हाँ बेटा लेना होता है, एक बच्चे ने पूछा कि हाँ ले सकते हैं। तो बेटा देखिए यहां पे मैंने एक चीज बताई थी, ये देखिए, हाँ दिस जीएसटी दिस रजिस्ट्रेशन इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ट्विन पर्पज। दो पर्पज है, पहला पर्पज क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैक्स पेयर्स, टैक्स पेयर्स की आइडेंटिफिकेशन, और दूसरा क्या है, ऑल्सो टू चेक कंप्लायंसेस मैकेनिज्म, ठीक है बेटा, कंप्लायंस मैकेनिज्म। तो अगर आप जीएसटी के दायरे में आ जाएंगे गवर्नमेंट आपको आइडेंटिफाई भी कर सकती है और आप कंप्लायंस फुलफिल करेंगे वो भी देख लेंगे, ठीक है बेटा। क्लास हमारे शुरू हुए हो चुका है 1 घंटा 15 मिनट, आज की क्लास हमारी 6 बजे से स्टार्ट हुई थी बेटा। हाँ जी कोई डाउट है से बताइए बेटा, डी पार्ट क्लियर हो गया? सपोज करो आप मोबाइल बेचना चाहते हो ऑनलाइन, ठीक है, या फिर छोटा सा कोई भी एग्जांपल ले लो, ये एक ब्लूटूथ है ये बेचना चाहते हो आप, ठीक है, आपको अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे बेचना है, आपका बिजनेस स्टार्ट भी नहीं हुआ है अभी, ठीक है, तो भी आपको नंबर लेना पड़ेगा, बट नॉट एज पर जीएसटी एक्ट बट एज पर देयर रिक्वायरमेंट। जितने भी हमारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर रजिस्ट्रेशन की प्राइम रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए, कि वो उनका कंप्लायंस है, तो वहां पे फिर आपको ये नंबर लेना पड़ेगा। बट आप कैसे अप्लाई करोगे, आपको अप्लाई करना है वॉलंटरी के अंदर, ठीक है। ठीक है बेटा, एनी डाउट? देखिए इस स्लाइड को समझने की कोशिश करिए, इस स्लाइड को समझने की कोशिश करिए।
क्या लिखा है मैं यहां पर? स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, लिमिट कितनी है आपकी? पुडुचेरी 20 लाख, सिर्फ गुड्स की बात हो रही है, नॉर्मल 20 लाख, ठीक है। तेलंगाना 20 लाख, 20 लाख। अदरवाइज अगर आप अदरवाइज गुड्स में डील कर रहे हैं, सिर्फ गुड्स में, तो आपकी लिमिट 40 लाख हो जाती है। अदर स्टेट्स की बात हो रही है, ठीक है, कैटेगरी स्टेट्स की बात नहीं हो रही है, ठीक है। और अगर आप सब कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं, गुड्स और सर्विसेज, तो लिमिट आपकी 20 लाख की है। आगे चलते हैं, ठीक है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स एज पर सेक्शन 22 विच आर माई 4, आपकी लिमिट 10 लाख की है, सिर्फ अगर गुड्स में डील कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप बाकी दोनों में डील कर रहे हैं तो आपकी लिमिट 20 लाख की है, ठीक है। बाकी के स्टेट्स की अगर बात करूं तो लिमिट आपकी 40 40 20 20 20 20 एंड योर 20। तो आपको स्टेट वाइज याद रखने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है, कि किस स्टेट में कितनी है। दिस इज नॉट रेलेवेंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव, बट आपको एक नॉर्मल ओवरव्यू होना चाहिए। 10 लाख स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, 20 लाख नॉर्मल, 40 लाख रुपए सिर्फ गुड्स की बात की जाती है, ठीक है। आपसे कुछ एग्जाम में आपसे नहीं पूछेगा कि इस स्टेट की लिमिट बताओ, ठीक है। तो ये सिर्फ मैंने आपके रेफरेंस के लिए दिया है, ठीक है, ताकि आपको पता रहे। बट एग्जामिनर इज नॉट गोना आस्क यू कि इस स्टेट की मुझे लिमिट कितनी है। आपको जनरल परसेप्शन में याद रखना है कि 10 20 40 है, किस किस में 10 है, कहां पे 20 है, कहां पे 40 है, ये आपको याद रखना है बेटा, ठीक है। कोई डाउट इसमें? एनी डाउट हियर? बताइए बेटा। पढ़ लीजिए एक बार सही से बेटा। देखो आप कह रहे हो स्टेट गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट है 40 स्टेट करने के बाद। देखिए अगर आपका स्टेट एक लाइक यू नो डेवलपिंग स्टेट है, ठीक है, वहां पे ज्यादा बिजनेस हो रहा है, उधर ज्यादा बिजनेस हो रहा है, ज्यादा गुड्स का बिजनेस हो रहा है, ठीक है, तो क्या होता है ना बेटा, देखो अगर आप लोगों को कंप्लायंस के परव्यू में लेके आओगे, अगर आप किसी बिजनेसमैन को कंप्लायंस के परव्यू में लेके आओगे तो बिजनेसमैन थोड़ा इरिटेट होता है। नहीं समझिए मेरी बात, समझिए बेटा, दोनों बच्चे अलग अलग बातें कर रहे हो। अभिषेक अलग बात कर रहा है, तनिष अलग बात कर रहा है। क्या बात कर रहे हैं? अभिषेक ने बोला कि सर 40 लाख अगर लिमिट सेट कर देंगे तो स्टेट गवर्नमेंट को बेनिफिट क्या है। देखिए बेटा अगर एक डेटा समझते हैं, डेटा क्या कहता है, देखिए एक जगह लिमिट है 20 लाख रुपए की, एक जगह लिमिट है 40 लाख रुपए की। हम सिर्फ गुड्स की बात करते हैं, ठीक है, फॉरगेट अबाउट द जीएसटी। आपका आंसर मैं करूंगा तनिष, ठीक है। अब समझिए डेटा क्या कहता है, 20 लाख से 40 लाख के जो यूजर्स हैं वो है मान लेते हैं 10,000 जो बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, समझिए। और जीरो से लेकर के 20 लाख, सॉरी जीरो से 20 लाख तक के जो बिजनेसमैन है वो है 40,000। ये मैं नंबर ऑफ पर्सन की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब बात बताइए, जो ये मेरे 20 लाख वाले बिजनेसमैन हैं, ठीक है, 40,000 इन, अब ये नंबर मेरा ज्यादा हो चुका है, 40,000 लोग हैं, ठीक है, क्या मुझे इनको जीएसटी में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? क्योंकि ये 40,000 लोग जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट के पास कि सर 40,000 तो मेरा हमारा 4 महीने में हो जाता है, समझ लो, और सर हमारा इतना प्रॉफिट मार्जिन नहीं है कि हम एक एक्स्ट्रा कंप्लायंस में आ पाए, ठीक है। जो बिजनेसमैन 40,000 ये लोग हैं ये बोलते हैं कि सर हमारा इतना मार्जिन नहीं है कि हम एक एक्स्ट्रा बंदे को रख पाए जो हमारा कंप्लायंस संभाले, ठीक है, क्योंकि इसके लिए एक्स्ट्रा अलग से बंदा चाहिए, वो मार्जिन इतना है नहीं। तो गवर्नमेंट बोलते हैं कि ठीक है काम करते हैं, आपकी लिमिट हम 20,000 से 40,000 कर देते हैं, तो लोग कम नंबर लें, जीएसटी के परिव्यू में कम लोग आएंगे,
तो जब अगर लिमिट आपकी बढ़ चुकी है तो आपका बिजनेस बड़ा हो चुका है तो अब आपको लेना पड़ेगा। तो ये है बेटा आपका आंसर स्टेट गवर्नमेंट अभिषेक का। और जो तनिष ने बताया ज्यादा जीएसटी करेंगे, बेटा जीएसटी अगर हम लिमिट ज्यादा करेंगे तो कम कलेक्ट होगा, ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि जो ये लोग होंगे ना बेटा, ये वाले लोग, ये सारे लोग, ये सारे के सारे लिमिट से बाहर हो जाएंगे और ये नंबर नहीं लेंगे। ठीक है, क्लियर?